Hi everyone, I am Muskan Jun. I have secured All India Rank 71 in the CSIR Net June exam. So, मैं आपके साथ कुछ 5-6 टिप्स शेयर करूंगी जिसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा एग्जाम क्लियर करने में. सबसे पहली चीज है आपका सिलेबस. आपको अपना 70-80% सिलेबस टारगेट करके चलना है. आप सिलेबस में से कुछ 5-6 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं क्योंकि दो सेक्शंस केमिस्ट्री के लेके अब हम एग्जाम में नहीं जा सकते हैं बिकॉज द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज चेंजिंग वेरी डायनेमिकली. नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन सॉल्विंग. आपको हर एक क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कैलकुलेशंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड अपने हाथ से करनी है. ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारी मैथमेटिकल स्किल्स और हमारे क्वेश्चंस को एक्यूरेट करने का. जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज उन्हें करिए. किसी भी क्वेश्चन बैंक से या अपने असाइनमेंट से, आप जहां से भी कोचिंग ले रहे. नेक्स्ट थिंग है, जो भी चैप्टर्स आपको आपके वीक लगते हैं उनके लिए आपको रेफरेंस बुक जरूर रीड करनी चाहिए. आफ्टर प्रिपेयरिंग द बेसिक पोर्शन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम योर नोट, दिस थिंग रियली हेल्प मी. जो चैप्टर्स मुझे लगते थे कि मेरे वीक है या मेरे क्लियर नहीं है, उनके लिए एक दो रेफरेंस बुक रेफर करती थी. उनके अंदर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन को रेफर करती थी ताकि वो चीजें मेरी स्ट्रांग हो जाए. नेक्स्ट चीज है, अपने सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से डिवाइड करके अपना रोज का टारगेट सेट करना है. ये मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस एटलीस्ट एग्जाम से 2 या 1.5 मंथ्स पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए. और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिविजन. यू हैव टू डू मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ रिविजन बिकॉज अगर आप एग्जाम में जाके आपको फॉर्मूला या बेसिक चीज याद नहीं है तो वहां पे आप टाइम आपको शॉर्ट पड़ेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा मल्टीपल रिविजन्स करें और आपके जो भी नोट्स हैं वो आपके टिप्स पे हों. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा है. मॉक टेस्ट हमें हेल्प करते हैं नए क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे होते हैं, उनमें हमें कॉन्फिडेंस होता है. पर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो इंटरफेस देता है जो हमें एग्जाम में फेस करना है, जहां नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजाइज करें कि आप मेन एग्जाम में कैसे एग्जाम देंगे. सो आई ज्वाइन द कैरियर एंडेवर मॉक टेस्ट सीरीज एंड दे रियली हेल्प मी अप्रोच न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यू गेट वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द न्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम फ्रॉम दम चैप्टर. यही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी लास्ट टाइम में. आई यूज टू सॉल्व द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड सी व्हिच आर द टॉपिक्स व्हिच आर न्यू, देन आई रेफर टू some reference book and try to read those chapters. This really helped me to analyze what is my level of preparation and my accuracy level. My target was to minimize the errors. Second चीज़ है, आपको exam में बहुत ज़्यादा काम रहे. If you panic, there are high chances that you will get the questions wrong which you can get right.